गड़ाकोटा थाना पुलिस ने राजस्थान ढाबा के बाहर खड़ी एक पिकअप गाड़ी से करीब 10 लाख रुपए कीमत की 230 पेटी अवैध शराब बरामद करने की कार्रवाई की है। पुलिस द्वारा की गई इस कार्रवाई से जहां हड़कंप का माहौल बना हुआ है, वहीं पुलिस ने गाड़ी के ड्राइवर के अलावा एक अन्य व्यक्ति को भी हिरासत में लिया है, जिसने पूछताछ के दौरान कटनी से उपरोक्त शराब लाया जाना बताया है, लेकिन शराब के किसी प्रकार के कागजात पुलिस को उपलब्ध नहीं कराए जाने पर पुलिस ने उपरोक्त शराब को जब्त करने की कार्रवाई की है। इस पूरे घटनाक्रम से जहां गड़ाकोटा में अवैध शराब की आवक की पोल खुल गई है, वहीं उपरोक्त शराब किसी बिट्टू दुबे के पास भेजे जाने की जानकारी भी सामने आई है। फिलहाल गड़ाकोटा थाना पुलिस ने मामला पंजीबद्ध करते हुए जाँच शुरू कर दी है तथा इस घटनाक्रम के बाद यह साफ हो गया है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भले ही प्रदेश भर में शराब माफिया के खिलाफ सख्त मुहिम की बात करते हो, लेकिन शराब का अवैध परिवहन और विक्रय जारी है। ये दमोह रोड से आई थी, जो सांची राजस्थान ढाबा पर गाड़ी खड़ी थी, सूचना मिली और पिकअप गाड़ी खड़ी सफेद रंग की, और जिसको लिया उसने करीब 230 पेटी लाल मसाला की शराब। दो आरोपी गिरफ्तार किए, सोनू पुरी और कुलदीप मिश्रा। ये शराब सर, ये कहाँ जा रही थी शराब गड़ाकोटा में? अब ये तो अभी पूछ रहे हैं, परम का जानकारी है कि कहाँ लिखे जाया था, और जैसे उनके कब बयान लेंगे तो आगे कार्रवाई की जाएगी। जब तक शराब की कीमत कितनी है? जब तक शराब की कीमत है करीब 10 लाख कीमत शराब की है, और 10 ही लाख की गाड़ी है, 20 लाख की है। कहाँ? आपको बता दें कि गड़ाकोटा थाना क्षेत्र के ढाबों पर अवैध शराब बिक्री कोई नई बात नहीं है। पिछले दिनों पुलिस ने प्रशासन की मदद से गड़ाकोटा क्षेत्र में एक शराब माफिया के ढाबे को भी नस्तानाबूद किया था। इसके बावजूद ढाबों पर शराब बिक्री जारी है। वहीं आज जो शराब पकड़ी गई है वह अभी राजस्थान ढाबे के बाहर से ही पकड़ी गई है तथा इस शराब को पकड़वाने में स्थानीय ठेकेदार की खास भूमिका बताई जा रही है। सूत्रों का कहना है कि ठेकेदार को पता लगा था कि अवैध शराब खपत के लिए यहाँ आई है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। ऐसे में यहाँ पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं।